पहला क्वेश्चन जो कह रहा है F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यदि दोनों तरफ फिक्स्ड होता है तो V/2L, ये V होता है अंडर रूट T/μ/2L, ये T/μ आ गया 100 सॉल्व होके, और L1 है तो ये हो गया 50 हर्ज, और यहाँ से आपको F2 दिख जाएगा 2 × F1। आप जानते हैं इवन एंड ऑड सारे मल्टीपल बनता है फंडामेंटल का, F1 फंडामेंटल है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये तीसरा 3 × F1, तो ये सारे दिखने लगे आपको 100 हर्ज और 150 हर्ज। जब आप कहते हैं कि एक एंड फ्री और एक एंड फिक्स्ड, तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं एंटीनोड नोड बनता हुआ फंडामेंटल जो N1 कहेंगे हम लोग, फंडामेंटल जिसे हम लोग N1 कह देते हैं, तो N1 कितना हो गया, N1 हमारे पास आ जाता है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं V/4L1 V/4L, तो ये हो जाता है F1/2, तो ये हो गया 25 हर्ज। तो N2 कितना हो जाएगा 3 × N1 75 हर्ज, और N3 कितना हो जाएगा 5 × N1 125 हर्ज। अब चेक कर लीजिए ऑप्शंस, F1 F2 F3 जो है उसमें तो F3 150 दिख रहा है 3F1, और N2 153 तो दिख नहीं रहा, वो अब सारी ऑप्शन में देख लीजिए, डी ऑप्शन में F1 प्लस F2 बाई टू, हाँ डी ऑप्शन, और N2 75, हाँ ठीक है डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं तो आप अगले क्वेश्चन पे आइए। इस जगह आपके सामने अवेलेबल है एंड ऑफ स्ट्रेच वायर ऑफ लेंथ L, ये L लेंथ का वायर आप फिक्स्ड देख रहे हैं, और इक्वेशन यदि कहा गया तो K का वैल्यू देखिए पहले वाले केस में K1 जो होता 2π/λ1, जहां से आपको दिख रहा है π/L, तो यहां से हमने क्या पता किया λ1/2 = L, इसका मतलब कितने लूप बन रहे होंगे, सिर्फ एक लूप बन रहा होगा, और एनर्जी क्या लिखेंगे आप, एनर्जी E1 हो जाएगा, तो λ1/8μω²(2πf), ओमेगा तो एक ही जैसा दिया गया है तो ओमेगा ही लिखते हैं, λ/8μω²(a²), और ध्यान से देखिए इसी तरह दूसरे वाले केस में देखते हैं एल लेंथ तो ये है, K2 कितना लिखते 2π/λ2, और इक्वेशन जो है साइन 2πx/L लिखा हुआ है, 2π/L x के साथ वाला k होगा, ये 2π कैंसिल आउट हो गया, λ/2 हो गया l के बराबर, मतलब यहाँ दो लूप है, क्वेश्चन में कहा गया यहाँ दो लूप। अब देखिए एक लूप का एनर्जी कितना, तो E2 की जब हम बात करेंगे तो एक लूप का देखते हैं λ/8, तो ये λ2/8 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, म्यू तो हम सेम लेंगे कि यदि वही धागा है, इसलिए ये धागे की एनर्जी की बात कर रहा है टोटल, इसलिए मैं पूरे लूप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, λ2/8 म्यू और ओमेगा के बदले क्वेश्चन में 2ω है, अगला वाला पार्ट देखिए साइन 2ωt होने के कारण 2ω², और एम्पलीट्यूड यही दिख रहा है A²। आपको A1 ये देखिए आपको दिखने लगा E1 और दिखने लगा E2। एक बार मैं फिर से यदि लिखना चाहूं तो देखिए ऊपर में मैं कोशिश करता हूं लिखूं, E1 लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ये हो गया लेमडा वन हो गया 2L,
एक ही लूप है, तो E1 यहाँ यहीं पे देख लीजिए, E1 by E2 हमें चाहिए, E1 by E2, अब डिवाइड करके देखिए तो E1 by E2 कैसे लिखेंगे, E1 by E2, तो डिवाइड करेंगे तो 8 चला जाएगा, म्यू म्यू चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा कौन, तो ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें लैम्डा 1 बचेगा, और नीचे जो आएगा वो बचेगा ट्वाइस लैम्डा 2 × 4, बाकी सब चला गया। तो यहाँ पर चेक करिए, लैम्डा 1 के बदले लिख सकते हैं 2L, और लैम्डा 2 के बदले लिख सकते हैं L, तो यहाँ से हम देखें तो 1/4 जैसा रिलेशन आ गया, तो हो जाएगा क्या, E2 = 4E1। क्या ये फॉर्मूला लिखना मैं एक बार और सिखाऊं, यहाँ चेक करिए, ओमेगा यहाँ से ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड यहाँ से लिया और के यहाँ से लिया, दूसरे केस में आप देखिए ओमेगा एम्पलीट्यूड यहाँ आपने देखा, ओमेगा के बदले 2ओमेगा यहाँ आपने देखा, और के बदले ये एक्स के साथ वाला यहाँ देखिएगा 2π/L यहाँ से लिया, के एक्स के साथ वाला लेते हैं, ओमेगा टी के साथ वाला लेते हैं, और एम्पलीट्यूड जो सबसे पीछे है लैम्डा बाई 8 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक लूप का एनर्जी, तो दो लूप का डबल, दूसरे वाले केस में दो लूप है कैसे पता चला, क्योंकि लैम्डा 2L था, तो L लेंथ में एक वेवलेंथ कंप्लीट होगा, एक वेवलेंथ कंप्लीट होने के लिए आपने जो डायग्राम बनाया तो आपको पता चला ये यहां तक आया, दूसरा आपने ऐसे बना के लूप कंप्लीट कर दिया, दो लूप दिखने लगा। क्या एक बार और समझाऊं, नेक्स्ट चेक करिए, थर्ड, यहां पर एक फायर क्रैकर के बारे में कहा जा रहा है, जो बोट पे एक आदमी को सुनाई देता है, तो यहां एक जो साउंड है जनरेट हुआ फायर क्रैकिंग का साउंड, एक तो एयर के थ्रू आया और दूसरा वाटर के थ्रू आया, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस मान लो डी है, तो जो टाइम इंटरवल टी गिवन है ये होगा T1 - T2 डी बाय वी एयर माइनस डी बाय वी वाटर, वाटर में स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम कम लगेगा, और एयर में स्पीड कम होता है तो टाइम ज्यादा लगेगा आने में, तो दो दो जो साउंड आया उनमें अंतर टाइम इंटरवल टी दिया गया है, यू वाटर का स्पीड है तो डी बाय यू, और वी एयर का स्पीड है ये भी माइनस, और ये टी, यहां से डी यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा डी इंटू यू माइनस वी अपॉन यू वी, और ये किसके बराबर आ गया, टी के बराबर, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो टी कितना दिख जाएगा, या डी पूछ रहा है तो डी दिख जाएगा, डी दिख जाएगा टी इंटू यू इंटू वी अपॉन यू माइनस वी, टी यू वी अपॉन U माइनस वी। देखो डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस को निकालने के लिए मैंने टाइम इंटरवल लिख दिया और D निकल के चला है, क्वेश्चन नंबर 24, सोनोमीटर वायर के लेंथ दिया गया है 1 मीटर, मतलब जैसे सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आएगा या मेल्डीज एक्सपेरिमेंट आएगा
उनके लिए ध्यान रखना, वायर है दोनों एंड फिक्स्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो सोनोमीटर वायर की जब बात करते हैं तो वायर लिया 1 मीटर, ज्यादा बिना अकल लगाए ये हमने देखा 1 मीटर का वायर। 2 wooden bridges आर प्लेस्ड बिलो वायर एट लेंथ 1/7 फ्रॉम वन एंड और 4/7 फ्रॉम अनदर एंड। तो जहां जहां आप उसको ऑब्स्टेकल लगा देंगे, ब्रिज लगा देंगे, वायर के नीचे कोई ऑब्स्टेकल लगा देंगे, वो पॉइंट नोड बन जाएगा। तो ये कहा गया है 1/4 मीटर पे, और ये कहा गया है ये कहा गया है 4/7 मीटर पे, और ये कहा गया है 1/7 मीटर पे। तो बीच वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा? 2/7 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 में से 4/7 + 1/7 हटा लो, 5/7 हटा लो, तो 1 - 5/7 हो जाएगा 2/7। अब पूछ क्या रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तीनों सेगमेंट का जो होगा उसका रेशियो बताओ। तो F1 पहले वाले का F2 F3 देखते हैं, ध्यान से देखिए। V/4 L1 तो 1/7 इस टू V/4 L2 2/7 इस टू V/4 L3 हो गया 4/7। तो ये रेशियो कितना आ गया, काट पीट के देखते हैं तो ये रेशियो आ गया 7/7/7 तीनों में गया, V/V/V तीनों में गया, 4/4/4 तीनों में गया, 1/1 = 1/2 = 1/4। इनको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4:2:1 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा तीनों सेगमेंट का, 4:2:1। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 25। ए पर्सन कैन हियर फ्रीक्वेंसी ओनली अप टू 10 kHz, और आप देख रहे हैं कि पियानो वायर है 50 cm लेंथ। तो म्यू आपको पता चल गया 5 × 10⁻²⁰ kg/50 × 10⁻²⁺ kg/m हो गया। तो यहां से चेक करिए काट पीट के क्या आ रहा है, 10⁻³ / 10 × 10⁻³ - 2 × 10⁻³ - 1 × 10⁻², ये हो गया 0.01 kg/m, म्यू निकाला हमने। टेंशन भी अवेलेबल है तो वेलोसिटी हो जाएगा √T/μ। टेंशन है 400/1/100, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻²⁰ m/s। कैलकुलेशन जब कर लिया आपने, नंबर ऑफ हाईएस्ट ओवरटोन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पियानो वायर, पियानो वायर का जो फ्रीक्वेंसी होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, वो क्या लिखते थे, V/2L, वी कितना हो गया था 200 और एल कितना है 1/2, ये कितना हो गया 200 Hz। तो पियानो वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इवन एंड ऑड सारे मल्टीपल बनते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मान लो नंबर ऑफ हाईएस्ट ओवरटोन nth ओवरटोन इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 kHz। nth ओवरटोन हो गया, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं 2V/12, n+1 V/12 लेस देन और इक्वल्स टू 10 kHz। क्यों लेस देन, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं सुन सकता है कोई वो इंसान पर्टिकुलर, क्वेश्चन में कहा गया है n+1 और V/12 के बदले कितना आ गया है 200 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10,000 10 × ये दो जीरो आपने हटाना है, एक इधर से हटाया एक ये, एक जीरो आपने इससे हटा दिए और 250 × 100, तो ये n इज लेस देन और इक्वल्स टू हो गया 50 - 1
49, तो हमने क्या कह दिया, 49th सुन सकता है, 49th वाला सुन सकता है ये इंसान, 49th ओवरटोन या 50th हार्मोनिक। ये आंसर दिख जाएगा सर कैसे सॉल्व किया, तो पहले म्यू निकाला, फिर वी निकाला और फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। उसका जो nth ओवर टोन है वो लेस देन और इक्वल टू है 10 किलोहर्ट्ज़ सुनने के लिए, तो n प्लस 1th ओवर टोन, n प्लस nth ओवर टोन का मतलब हो गया n प्लस 1 v / 12 फ्रीक्वेंसी, और v / 12 था 200 हर्ट्ज़, तो सॉल्व ऑल कर लिया n आ गया 49। चेक करिए 26, ए कॉर्ड अटैच्ड टू ए बिजी वाइब्रेटिंग फॉर्म डिवाइड वाइब्रेटिंग फॉर्क होना चाहिए, यहाँ फॉर्म आ गया है वाइब्रेटिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क वाला, डिवाइड इट्स इनटू 6 लूप, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा 6 वी बाई 12। और अब क्या कह रहा है, क्या 6 1 by 12 अंडर रूट t by mu when its tension is 36 newton, तो 6 by 12 अंडर रूट 36 by mu, ये हमारे पास आ गया पहला वाला रिलेशन। द टेंशन पूछ रहा है और जब चार लूप में ये वाइब्रेट करे तो 4 v by 12, यहां अब बदला होगा ये v, 4 by 12 अंडर रूट t dash by mu। अब ध्यान दीजिएगा चूंकि सोर्स तो एक ही है, तो सोर्स एक ही है तो जो फ्रीक्वेंसी बना होगा ये दोनों एक ही जैसा होगा, तो आपने उसे इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट करते ही आपने देखा ये म्यू कैंसिल आउट हो गया, ये 12 कैंसिल आउट हो गया और आपको ढूंढना था टी डैश, तो टी डैश आपको मिल जाएगा यहां से, टी डैश हो जाएगा 36 इंटू 36 बाई 16, 81 न्यूटन। यदि बात करते हैं आप एक स्प्रिंग के पॉइंट 4 मीटर लेंथ और मास 10^-2 केजी और क्लैंप्ड किया गया है एट इट्स एंड्स, मतलब दोनों एंड जो है वो क्लैंप्ड है, तो म्यू पता है एम बाई एल 10^-2 अपॉन 0.4, ये हो जाता 10^-1 या 1/40 किलोग्राम पर मीटर। अब सोचो टेंशन दिया गया है 1.6, ध्यान से देखिए आपने वी निकाल लिया अंडर रूट टी बाई म्यू से, टी आ गया है 1.6 और म्यू है 1/40, यह आ गया 1.6 इंटू 40 16 इंटू 4, यह आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, लेंथ देखते हैं 0.4 मीटर। तो एक वेव आपने ऐसे जनरेट किया, ध्यान दीजिएगा ये यहां से यहां पहुंचेगा कितने टाइम में, एल बाई वी 0.4/8, 4/80, 1/20 सेकेंड में। अब मुझे बताइए जैसे ही वो यहां पहुंचेगा तो फिक्स्ड एंड होने के कारण ये यहां पहुंच के रिवर्स हो गया,
पाई का फेज चेंज, स्टॉक्स लॉ, अब वो टी टू टाइम लेगा उस किनारे से अगले किनारे तक आने में। तो टी टू टाइम के बाद जब ये यहां पहुंचेगा तो आप देखेंगे ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा। तो कितना इंटरवल हुआ, तो टी वन प्लस टी टू, या ये भी जाने वाला भी टाइम टी वन, आने वाला भी टी वन। तो आप कह सकते हैं ट्वाइस टी वन टाइम वो टाइम इंटरवल है जिसके बाद इसने अपना पुराना वाला डायरेक्शन पुराने वाले पोजिशन पे फाइंड कर लिया, और ये हो जाएगा 1/10 सेकेंड। अब गौर करिए, यदि इसी टाइम फिर से एक वेव जनरेट किया जाए ऐसा जैसा पहला था पल्स, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कैसा होगा, वाई वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू। तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव जुड़ना। यदि ए और ए मिलके टू ए हो गए तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव वे में इकट्ठा होना वेव का, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि ए और ए जुड़ करके जीरो हो जाते, एक प्लस ए होता एक माइनस ए होता, ऐसा सीन बनता, तो वो कहलाता डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कितने टाइम इंटरवल के बाद जनरेट हो पल्स, तो 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड के बाद यदि जनरेट हो पल्स तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो सकता है। देखिए यदि ऐसे और ऐसे वेव आ रहे हैं और एक ही जगह इकट्ठे हुए, एक का स्पीड कम है मान लो, एक का स्पीड ज्यादा है, और ये कभी ऐसा हुआ एक ही जगह दोनों पहुंच गए, तो दोनों पहुंच गए तो ये जुड़ करके ऊपर दिखने लगेगा। तो ऐसा जब होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव कहलाता है। यदि मान लो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बीच में ऐसा हुआ, कैसे भी आ रहे हो, ऐसा सिचुएशन आया कि जब वो जुड़ते हैं तो जुड़ने पर इनके जो थे, एक ऊपर ले जाना चाहता था वेव धागे को और दूसरा भी ऊपर ले जाना चाहता था धागे को, तो धागे का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ज्यादा ऊपर तक। तो ऐसा जब हो, ए और ए मिलके टू ए की तरफ जा रहा हो, तो कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा जुड़ना दोनों वेव का, पल्स का। और यदि अपोजिट हो और ए और माइनस ए जैसा हो और जुड़ करके जीरो की तरफ आए, तो उसे हम डिस्ट्रक्टिव जुड़ना कहेंगे। कहते हैं ना क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव, तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा जब जुड़े। तो कितने का टाइम इंटरवल आ रहा है, 1/10 सेकेंड। फिगर में आपके कह रहा है फेज, तो याद करिए जब हम कहते थे फेज, तीन लूप कैसे दिखता है, तो तीन लूप दिखता है 1, 2, 3। और आप किसको किसको कहते थे सेम फेज, अल्टरनेट वाले को, और एडजेसेंट वाले को कहते थे अपोजिट फेज। तो एक्स वाला जो है वो 1 के साथ अपोजिट फेज में होगा, 2 और 3 के साथ सेम फेज में होगा। एक्स वाला पॉइंट 2 और 3 के साथ सेम फेज में होगा और 1 वाले के साथ अपोजिट फेज में होगा। ये आपने नोट किया हुआ है कागज पे कहीं कि एक ही लूप में जो सारे पार्टिकल रहते हैं, एक ही लूप के जो सारे पार्टिकल रहते हैं वो एक साथ ऑसिलेट करते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेम फेज में ऑसिलेट करना। और अगल बगल वाले जो लूप के होते हैं मॉलिक्यूल, वो अपोजिट फेज में होते हैं। और अल्टरनेट यदि हम देखते हैं एक छोड़ के एक, तो वो सेम फेज में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में आप याद करिए क्या लिखाना सीखा है आपने, डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस बी इंटू डेल एस बाई डेल एक्स, माइनस बी इंटू स्लोप, एक पॉइंट ये जानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट नोड विल बी प्रेशर एंटी नोड। अब मुझे ये बताइए, ये जो है नोड और ये है एंटी नोड, तो हम जब बात कर रहे होंगे प्रेशर के लिए, तो प्रेशर के लिए ये क्या बन जाना चाहिए, प्रेशर के लिए बन जाएगा प्रेशर के लिए एंटी नोड, प्रेशर के लिए नोड और प्रेशर के लिए एंटी नोड। ये किस में नहीं है, उन्हें हटा दो। कितने नोड चाहिए, 2 एंटी नोड चाहिए,
और एक नोड चाहिए। यदि इसमें शुरू में यहां से यहां तक का जो दिख रहा है वो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, यदि यहां वाला हम स्लोप देख रहे हैं तो ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा पी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। और बाद वाले पार्ट में क्या देखते हैं, स्लोप लेस देन जीरो, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए। बीच में एक नोड और उसके लेफ्ट साइड, तो इसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव है ये नहीं होगा, पूरा का पूरा निगेटिव है ये नहीं होगा, पहले निगेटिव है तो पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो ये वाला हो सकता है, ये पहले पॉजिटिव है बाद में निगेटिव, तो ये नहीं होगा। तो आप ऐसे अप्रोक्सीमेट कर्व चुन सकते हैं। बीच में ये देखो, ये नोड आया, इधर एंटी नोड और उसके बगल में भी एंटी नोड, आगे जाके फिर नोड है वो अलग बात है, लेकिन जो मोस्ट मैच करने लायक है वो ये वाला ऑप्शन। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 30 की एक खास बात कही गई है कि पॉइंट सोर्स है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से जब एनर्जी निकलेगा, मान लो ये 60 वाट का एक स्पीकर है और स्पीकर से साउंड निकल करके गया, तो जो आप आर डिस्टेंस पे देखेंगे तो इंटेंसिटी कैसे लिखते थे, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल हो जाएगा सरफेस जिस पे ये एनर्जी पहुंचा होगा एक साथ, उसे कहते हैं वेव फ्रंट, एक साथ जहां एक जैसे मॉलिक्यूल डिस्टरबेंस मौजूद दिखे, एक जैसे ऑसिलेट करें, एक फेज में ऑसिलेट करें, स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां मौजूद है, एक साथ एनर्जी पहुंचा। तो ऐसा कहीं भी कोई पॉइंट चुनोगे वो स्फेरिकल ही दिखेगा जहां एक साथ एनर्जी आया होगा, एक साथ जनरेट होने वाला। अब ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया पावर बाय एरिया, तो पावर तो है मान लो 60 वाट और एरिया कितना 4πr², क्योंकि स्फीयर का एरिया। और आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपको एक 7-star फॉर्मूला तुरंत याद आ जाएगा, I proportional to amplitude square। तो इन दोनों कहानी को कंपेयर कर लें तो कंपेयर करते ही आपके पास आ जाता है एम्पलीट्यूड जो है amplitude squared is proportional to 1/r। तो amplitude जो दिख रहा है proportional to 1/√r, कि distance जैसे जैसे बढ़ती जाएगी amplitude का वैल्यू कम होगा, और distance यदि 4 गुना कर दोगे तो amplitude 1/4 हो जाएगा। ऐसा relation किस में दिख रहा है, इन सारे ऑप्शन में, 30 वाले सारे ऑप्शन में केवल ए में एम्पलीट्यूड ऐसा है जो डिस्टेंस से रिलेटेड इसी तरह का दिख रहा है जो आपके सामने रिलेशन आया है। तो आपने इंटेंसिटी सोचा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम था पावर, मान लो एक स्पीकर है पॉइंट सोर्स 60 वाट का पावर वाला, तो उससे जो एनर्जी पर यूनिट टाइम बाहर आता होगा वो क्या आता होगा, 60 joule/s, और वो साउंड की स्पीड से चारों डायरेक्शन में भाग रहा होगा, या 3-dimensional space सोचो, तो spherical surface पे कभी भी मौजूद होगा। r distance का spherical surface का जो area है वो 4πr², energy per unit area 60 watt/4πr², एक second, यहाँ r square area वाला missing दिख रहा है, एक बार रुक जाओ, यहाँ check कर लो, 4πr² होता, तो ये भी r square हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल, ये देख रहे हैं आप लोग, ये दिख रहा होगा आर स्क्वायर के, तो ये आर के प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा, आर के प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन यहाँ जो है वो हमारा आंसर, आर के प्रोपोर्शनल वाला केवल एक ऑप्शन दिया गया है तो वो हम ले लेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बदलता जा रहा होगा एम्पलीट्यूड उसी तरह से बदल रहा होगा।
बी ऑप्शन लेंगे 30th का एम्पलीट्यूड एरिया जो लिखेंगे ना स्फीयर का वो 4πr2। ये कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट सोर्स। यहां एक पॉइंट और मैं बता दूं चर्चा के लिए कि यदि लाइन सोर्स होता तो लाइन सोर्स जैसे ट्यूबलाइट तो उससे जो, या लंबा सा स्पीकर तो उससे जो एनर्जी निकल के जा रहा होता है उसका जो सरफेस बनेगा वो सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है वेव फ्रंट। लाइन सोर्स के लिए, वेरी लॉन्ग लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हो गया उन मॉलिक्यूलों का लोकस जो एक जैसे फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं एक ही समय पर, वेव फ्रंट। अब यहां जब इंटेंसिटी लिखते तो 60 वाट का ही ये लंबा स्पीकर है मान लो, तो 60 वाट अपॉन 2πr h, h हाइट मान लो और स्पीकर से r दूरी पे है, और i प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1r हो जाएगा, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1√r हो जाएगा। एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1√r होता है किस केस में? लाइन सोर्स के लिए। ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है लाइन सोर्स से एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और वहां रिलेशन आता है स्क्वायर रूट वाला, ये प्रोपोर्शनल टू 1√r। ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं था, केवल रिविजन के लिए चर्चा में आया। क्वेश्चन नंबर 31, ये जब लाउडनेस पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंटेंसिटी, अब लफड़ा कहां पर आ गया? इंटेंसिटी तो मैंने आपको नया कोई पढ़ाया नहीं, तो जो ट्रैवलिंग वेव में जैसे सोचते थे वैसे ही सोच लेते हैं। इंटेंसिटी के बारे में याद आया ना, इंटेंसिटी वन बाय टू रो वी ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब देखिए मीडियम सेम है तो रो सेम होगा, वी सेम होगा, ओमेगा अलग अलग दिख ही रहा है। आई वन बाय आई टू जो हम देख रहे हैं, वन बाय टू रो वी ओमेगा वन स्क्वायर एस वन स्क्वायर displacement s not 1 square 1 by 2 rho v omega 2 square s not 2 square, तो 1 by 2 rho v तो एक ही जैसा है, तो बच्चा क्या omega 1 that is 200 pi square into s not 1 that is 2 square by omega 2 150 pi square into 5 square, तो ये कितना हो जाएगा? पाई पाई चला गया, एक जीरो भी चला गया यहां से, वो 20/15 इसका होल स्क्वायर इंटू 4/25, तो 5 24 5 3 15 16/9 4/25 64/9 45 5 6 7 8 4 22 225। तो 64:225 आपके पास आ गया। इंटेंसिटी के लिए ट्रैवलिंग वेव में डिस्प्लेसमेंट लेके सोचते थे ना, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड लेके 1/2 रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वही यूज कर लो। देखो ए दिया गया है एस वन के लिए 2 और ओमेगा दिया गया है 200 पाई, एस टू के लिए ए दिया गया है 5 और ओमेगा दिया गया है 150 पाई, रो भी कॉमन होगा क्योंकि एक ही मीडियम के दो वेव की बात कर रहा है। इन ए मीडियम, एक ही मीडियम में ये दोनों के चर्चा हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यदि इस जगह हम लोग कोहेरेंट सोर्स फेज डिफरेंस, तो इंटरफेरेंस टर्म अगले टर्म पे मैं बताता हूं, उसके बाद इनको आप बना सकते हैं। 33
फोर भी इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, वेट कर लीजिएगा, डिफरेंट लाउडनेस, क्विंक्स ट्यूब, इंटरफेरेंस, 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 660 Hz, फॉल नॉर्मली ऑन ए परफेक्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसके समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि यदि एक पाइप हो और इनमें हम देखें स्टैंडिंग वेव साउंड का, तो ध्यान से देखिएगा ये वेव जाएगा और आएगा, दो वेव तो सुपरइम्पोज होके स्टैंडिंग वेव बनता है, जैसे धागे पे दो वेव आता था। और यहाँ जो बाउंड्री है, यदि ये बाउंड्री कोई रिजिड बाउंड्री दिख रहा है, तो इस जगह जो है ये पॉइंट हो जाएगा नोड डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्यों हो जाएगा नोड, तो उसका कारण मैं बताता हूं। मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करने के लिए ऐसे देख लो कि जगह नहीं मिल रहा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए नोड हो जाएगा, तो इससे कितनी दूरी पे एंटी नोड आएगा डिस्प्लेसमेंट का, जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है नोड से एंटी नोड के बीच का, वो होता है लैम्डा बाय 4। तो कोई रिजिड बाउंड्री यदि है जहां से साउंड आया और रिफ्लेक्ट होके गया, तो रिजिड बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट एंड के लिए नोड बनता है आने और जाने वाले वेव के सुपर इम्पोज होने पर। और डिस्प्लेसमेंट का जो पॉइंट नोड है, उससे लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे एंटी नोड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का। अब लैम्डा बाय 4 के लिए लैम्डा चाहिए मुझे, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, v इक्वल्स टू f लैम्डा, v है 330, f है 660, लैम्डा हो गया 1/2 meter, लैम्डा हो गया 1/2 meter मतलब 0.5 meter, और लैम्डा बाय 4 की यदि मैं बात करूं, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा 0.125 meter। ये होगा वो डिस्टेंस जहां हम देखेंगे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। सर आपने स्टैंडिंग वेव के बारे में बताया नहीं था। हाँ, मैंने धागे का बताया हुआ है और यहाँ मैंने एक आइडिया दिया आज से, अभी से सोचने का। तो सर क्या ये अगले टर्न पे भी बताएंगे? हाँ, अगले टर्न पे भी मैं फिर से ये चर्चा करूंगा। यहाँ एक पॉइंट और सोच लीजिए, जिनके समझ में आ जाए वो याद भी रख लीजिएगा, कि यदि हमने रिजिड बाउंड्री को कहा कि मॉलिक्यूल को जो पाइप के भीतर था ऑसिलेट करने का टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला है बाउंड्री के पास, तो वहां पर जो नोड बना डिस्प्लेसमेंट वाले वेव का, तो प्रेशर वाले वेव का क्या बनेगा? एंटी नोड। तो उसे ये याद रखिएगा कि जो कंप्रेशन आता है वो रिफ्लेक्ट कंप्रेशन के फॉर्म में होता है, जिससे कि दो दो कंप्रेशन मिलकर के बहुत ज्यादा कंप्रेशन मिले, एम्पलीट्यूड वहां मैक्सिमम चेंज दिखे प्रेशर का। और ये रिफ्रैक्शन यदि आएगा रिफ्लेक्ट होने के लिए, तो रिफ्रैक्शन ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा, रेयर फ्रैक्शन है मैक्सिमम, तो रेयर फ्रैक्शन ही मैक्सिमम वहां रिफ्लेक्ट भी हो, जिससे कि जुड़ करके सुपरइम्पोज होके बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन वहां मिले। तो पूछ देता है कि रिजिड बाउंड्री यदि किसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में है, एक सिरा क्लोज्ड है, उस तरफ वेव आया पाइप में और रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो कंप्रेशन कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होगा कंप्रेशन के फॉर्म में, और रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होगा रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिससे कि वहां क्या बन जाए, वहां बन जाए प्रेशर का मैक्सिमम चेंज वाला पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम चेंज या जीरो वाला पोजीशन है नोड।
एन ओपन ऑर्गन पाइप लेंथ एल वाइब्रेट्स इन सेकेंड हार्मोनिक मोड. ध्यान रखिएगा, ओपन ऑर्गन पाइप वैसा ही होता है जैसे फिक्स्ड एंड वाले दोनों एंड के वायर होते हैं. सेकेंड हार्मोनिक का मतलब हो गया 2V/12. द प्रेशर वाइब्रेशन इज मैक्सिमम एट. अब ध्यान से देखते हैं, तो जैसे हमने फिक्स्ड वायर में देखा सेकेंड हार्मोनिक, तो ऐसे बनते देखते थे ना, तो ओपन ऑर्गन पाइप में भी ये जो हम बनता देखेंगे सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, ऐसे ही बनता देखेंगे दो लूप, जिससे कि V/12 आएगा. ये किसके लिए हमने डायग्राम बनाया हुआ होगा, प्रेशर के लिए बनाया होगा. ये एल लेंथ का ये पाइप, ये X0 से XL तक, ये ओपन ऑर्गन पाइप है. ओपन पाइप, ओपन माने दोनों एंड पे, और वो जो ऊपर वाला है ये फिक्स्ड एंड वाला है. अब ध्यान से देखिए, ये नोड है, नोड है, फिर एक एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, और फिर नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड. और आपको पता है कि ये पूरा दोनों दोनों किसी भी दो के बीच का जो लेंथ होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है. यहाँ पे तो दिख ही रहा है L/4 है. वो पूछ रहा है प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम कहाँ होगा, तो एंड पे तो नोड है, प्रेशर खुला हुआ जब पाइप होता है तो एंड पे जो होता है मॉलिक्यूलों के ऑसिलेट करने के लिए खूब सारा मौका मिलता है. तो डिस्प्लेसमेंट का वो एंटी नोड होता है, खुला हुआ सीधा दोनों, और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है, लेकिन प्रेशर का क्या हो जाएगा, नोड. पाई बाई टू का फेज डिफरेंस से याद कर ले, रिकॉल कर लेते हैं. तो दोनों किनारे पे और मिड में तो प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा, तो कहाँ होगा, तो लेफ्ट वाले किनारे से L/4 डिस्टेंस पे और राइट वाले किनारे से भी L/4 डिस्टेंस पे भीतर में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम चेंज मिलेगा प्रेशर का. तो L/4 फ्रॉम आइदर साइड इनसाइड द ट्यूब, ये मैक्सिमम चेंज मिलेगा प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 40 के सोचने का तरीका. आप में से इसमें कोई और क्वेश्चन यदि पूछना चाहे तो बताइए. एक क्वेश्चन आया था डेसीबेल वाला, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं और लेक्चर फिर आगे भी मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा. हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंस, तो ध्यान से देखिएगा, नॉइज लेवल ऐसे डिफाइन किया गया है. नॉइज लेवल ये डिफाइन किया गया है 10 log I by 10^-12 dB कहते हैं उसका यूनिट डेसीबेल. और चूंकि 10^12 फिक्स है तो ये भी याद नहीं रख के इसको I नॉट के वैल्यू से कह देते हैं I नॉट. ये डिफिनीशन है फॉर किसके लिए, नॉइज एट प्लेस वेयर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज I. और आप ये भी ध्यान रखिएगा, I नॉट इज 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर मिनिमम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू हियर, मिनिमम इंटेंसिटी टू हियर. सुनने के लिए जो मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए वो होता है 10^-12. तो आप 90 डेसिबेल कहां देख रहे हैं, जहां इंटेंसिटी I1 है, और 40 डेसिबेल देख रहे हैं जहां इंटेंसिटी I2 है. तो 90 डेसिबेल हो गया 10 log I1 by I0.
और दूसरा देखिए 40 डेसीबल हो गया 10 लॉग आई टू बाय आई नॉट। ये डिफिनीशन है, फॉर्मूले की तरह इन्हें ध्यान रखते हैं कि जब हमसे कोई कहे कि बताओ कि आई है इंटेंसिटी आपके कानों के पास, तो आपको जो लाउडनेस फील आ रहा है उसका वैल्यू कैसे लिखोगे? तो डिफाइन किया गया है नॉइज लेवल इक्वल्स टू नॉइज इक्वल्स टू 10 लॉग आई बाय आई नॉट डेसीबेल। डेसी और 10 हटा दोगे तो लॉग आई बाय आई नॉट बेल। अब देखिए हमसे पूछा गया कि आई वन और आई टू में आई वन कितना गुना ज्यादा है आई टू से, सर ये तो नहीं पूछा गया। तो कितना टाइम ज्यादा इंटेंस है 90 डेसीबेल वाला साउंड 40 डेसीबेल से, तो ये इसका मतलब तो यही हुआ इंटेंसिटी कितना गुना ज्यादा है। इनको सब्सट्रैक्ट कर लो, 50 किसके बराबर हो जाएगा? 10 लॉग ए माइनस लॉग बी, 10 लॉग आई वन बाय आई नॉट माइनस 10 लॉग आई टू बाय आई नॉट। और आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी जानते हैं या नहीं जानते हैं? 10 लॉग आई वन बाय आई टू, ये जीरो दोनों तरफ से हटा दो, तो जीरो दोनों तरफ से हटा दोगे तो क्या आ जाएगा चेक कर लो, 5 इक्वल्स टू लॉग आई वन बाय आई टू। तो और क्या कर सकते हो, लॉग हटाओगे तो 10 बेस जो है इधर भेज दो, 10 टू दी पावर 5 आई वन बाय आई टू। आई वन बाय आई टू क्या है, 10 टू दी पावर 5 कितना टाइम्स है, तो ये 10 टू दी पावर 5 टाइम्स है। 40 डेसीबेल से 90 डेसीबेल जहां पर लाउडनेस है नॉइज है नॉइज लेवल है, वहां जो इंटेंसिटी है वो 10 टू दी पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। आई टू से 10 टू दी पावर 5 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी है, 1,00,000 गुना ज्यादा इंटेंसिटी है आई वन। जब आपको रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो जो वेव सुपरपोजिशन होता है वैसे ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और दूसरा आपने पढ़ा सुपरपोजिशन ऑफ SHM। तो सुपरपोजिशन ऑफ SHM के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज कर लेते थे, वेक्टर सम कंसेप्ट यूज करते थे। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3, 10, 4, और 7 वाले एम्पलीट्यूड हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले, और इनमें पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। तो ये हो गया 10 यूनिट का एक फोर्स, ये हो गया 7 यूनिट का एक फोर्स, और ये हो गया सॉरी ये 4 का हो गया और एक 7 का हो गया। तो बताइए इनका नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वेक्टर सम करते हो तो ये 10 और ये 7, ये जो 10 है ये 10 और ये 7 मिलके कितने हो जाएंगे, 3। 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। 5 हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यदि कई वेव के एम्पलीट्यूड दिए हो सेम फ्रीक्वेंसी वाले के, तो हम लोग उनका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बता सकते हैं जो 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 कोहेरेंट सोर्सेस के सुपर इम्पोज होने पर नया वेव बनेगा उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। इसके बारे में आगे हम इंटरफेरेंस हेडिंग दे करके अगले टर्न पे पढ़ेंगे भी। यहाँ हमने SHM को हेल्प लेकर के इसे बना लिया। आप लोगों को यदि कोई खास क्वेश्चन और समझना हो तो बताएं। यहाँ 34 में भी इंटरफेरेंस देखिएगा, रास्ते के लंबाई का अंतर डेल्टा एक्स यदि लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। अगले टर्न पे इसे देख लेंगे हम।
अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।